हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू द ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। इतना टाइम मैंने ब्लॉग व्लॉग नहीं किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं ब्लॉग व्लॉग कर पाऊँ। मेरे यहाँ से वीडियो चेक बनाया हुआ था मैंने, कि बोला था आप लोगों को कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तो वही काम है। मैं फंस गया था काफ़ी टाइम से, मैं कोई ब्लॉग व्लॉग नहीं कर पा रहा था, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कोई ब्लॉग व्लॉग बनाऊँ। ये पंचायत ऑफिस भी दिखाया था आप लोगों को, तो मैं जा रहा हूँ तत्काल। मैं निकल गया हूँ घर से तत्काल के लिए, अभी देखता हूँ। अभी तो लेट हो गया, मैं 7 बज गया, 6 बजे उठा था। अभी 1 घंटा यहाँ से लगेगा मेरे को जाने में, और तत्काल मिलता है कि नहीं मिलता है देखता हूँ, मिल जाए तो अच्छा ही है। चल, यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है, संडे है, तो गाड़ी मिल गया। अभी गाड़ी पूरा खाली है, तो गाड़ी अभी जा नहीं रहा है। अभी मेरे को लेट ही होगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि आज संडे भी है, आदमी आएगा नहीं, सारे लोग बाज़ार में लगे हुए हैं, तो बाज़ार उधार करके ही निकलेंगे जो भी निकलेंगे। मैं ना काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रही है, तो मैं ना ऐसे बात नहीं कर सकता वीडियो में, तो इसीलिए मैं ना वॉइस ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बागान जो है ना, वो चाय पत्ती की बागान है, आप देख रहे हो ना, ऊपर चाय पत्ती की बागान होती है ना, वो बहुत सारी लंबी लंबी हो रही है। तो यार इतना ही लेट हो गया कि मतलब आते आते बारिश भी आने लगा काफ़ी टाइम से, गाड़ी में इस तरह मतलब वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि इतना साउंड आ रहा था ना बैकग्राउंड से, तो मैंने कुछ वीडियो ही नहीं बनाया। एक दो बनाया हुआ है, लेकिन वो पोस्ट करने लायक भी नहीं है, ऐसा हो गया। और आदमी है नहीं, तो कोई गाड़ी वाला लेके आता ही नहीं है। दो पैसेंजर मिला और जैसे तैसे लेके आया होगा, तो मैं भी उतरा हूँ, जा रहा हूँ अभी स्टेशन। अभी बारिश हो रहा है काफ़ी टाइम से, रेल मतलब रेलवे आएंगे दे, तब से जा रहा हूँ मैं, उधर से नहीं गया मेन गेट की तरफ से, क्योंकि उधर से जाता तो मैं भीग जाता, क्योंकि गाड़ी भी कोई नहीं दिख रही है, ई रिक्शा भी नहीं दिख रहा था। मैं सोचा कि इधर से शॉर्टकट मार लेता हूँ, तो ये रेल लाइन है, अभी स्टेशन पहुँचूँगा थोड़ा टाइम। मेरे को मालूम ही नहीं कि बारिश हो रहा है, और मेरा फ़ोन भीग रहा है, इतना सारा फ़ोन भीग गया है कि पता ही नहीं चला मेरे को। चलो भाई, मैं ना स्टेशन पे मिलता हूँ, देखता हूँ तत्काल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरे से पहले अगर कोई आ गया होगा तो उसको ही मिलेगा, मेरे को फिर अब कल आना पड़ेगा, देखता हूँ क्या होता है। यार भाई साहब, बहुत टाइम हो गया मेरे को बैठे हुए, क्योंकि तत्काल के लिए देखा है मैंने लगाया हुआ है पेपर, तो बहुत सारे लोग लगा के रखे हुए हैं। ये मुरियानी स्टेशन है जहाँ पे अभी हूँ, बारिश की वजह से पूरा मतलब ये हो रहा है, इधर काम चल रहा है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो कोई भी आदमी नहीं है, ऐसे ही बाहर निकला हुआ है। ये ब्रिटिश टाइम का है ना, वो डीजल वाला जो कोयला वाला ट्रेन नहीं था, उसका इंजन लगाया हुआ है। बारिश की वजह से पूरा मौसम मतलब ख़राब हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है इतना बारिश कहाँ से आ गया। कल तक तो मौसम पूरा ही सही था, अभी अचानक इतना बारिश होने लगा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखता हूँ, 11 बजे तक बैठता हूँ, अभी तो 9:30 हो रहा है, काफ़ी टाइम है अभी। गया है कुछ टाइम, मेरा 10 बज के कुछ मिनट हो गए हैं, और अभी तक मतलब कोई टाइम नहीं मिला है, लाइन लगा हुआ है अभी, ये लोग लाइन पर लगे हुए हैं अभी टिकट के लिए। और तो ये है मुरियानी का स्टेशन, अभी जहाँ पे मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ, कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ ऐसा है माहौल। यहाँ पे चार्ट वगैरह लगा हुआ है, जो कि आसामीस में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। स्टेशन का आदमी नहीं है ना, बारिश है, तो ये भाई सब मिले हैं, तो इनके साथ ही मैं जाऊँगा, क्योंकि ये भी मेरे वहीं से आ रहे थे, तो मेरे को मालूम। और अभी बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि बारिश अभी शायद रुकी हुई है, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। फाइनली आज तो टिकट तो हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया है कि मैंने जिस ट्रेन के लिए टिकट लिया था वो ट्रेन में मिला नहीं मेरे को, तो दूसरे ट्रेन में मिला है मेरे को। तो उसमें क्या हुआ कि प्रीमियम में मार दिया, तो प्रीमियम वाले बोल रहे हैं कि 1825 रुपये एक टिकट का लगेगा, जाके 840 रुपये का टिकट है, तो ये प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ। पता नहीं क्यों इतना पैसा ले लिया उन लोगों ने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखता हूँ अब क्या होगा, अब जाना ही पड़ेगा, मेरा ओवर पैसा लग गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इतना सुबह आया मैं, लाइन में लगा हुआ था, उसके बाद से ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो लोगों ने भाई साहब सच में समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने इतना क्यों पैसा ले लिया। चलो कोई ना, फिर भी तो जाना ही है। तो ये क्या है ना कि मुरियानी का रोड है, जो ये मेन सिटी है ना वही है, इधर जोरहाट की तरफ जाएगा, जो कि आपका जोरहाट डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना वो है सिटी, मेन सिटी, और ये मुरियानी है जो होम टाउन है हम लोगों का। और यहाँ पे थाना है पास में, और साइड में पेट्रोल पंप है। हम लोग निकल रहे हैं घर जाने के लिए, अब जो होना था वो तो हो ही गया है, क्या ही कर सकते हैं ना। तो भाई ने बताया कि पिरनियम में मार दिया ना, उसी लिए इतना पड़ गया। फाइनली घर पहुंच गया हूँ, टिकट तो ले लिया मैंने, नुकसान हो ही गया मेरा उतना पैसे का, मैंने बताया था ना जैसे कि पैसा लगता है इतना, 850 रुपये लगा था मेरा टिकट का पिछली बार, और इस बार लग गया मेरा 1850 रुपये, इतना ले लिया। तो उन्होंने बोला कि क्यों इतना लगा, मैंने पूछा कि क्यों इतना पैसा ले रहे हो, तो बोल रहे हैं कि पिंडिया में मार दिया मैंने। तो मैंने बोला भाई पूछना चाहिए ना मेरे को, तो उन लोगों ने पूछा ही नहीं और मार दिया, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, हो गया हो गया, अब जाना ही पड़ेगा, अब पैसा तो बहुत ज़्यादा लग गया, अब क्या कर सकते हैं। मैं घर पर आ गया हूँ, चलिए। और क्या बोलते हैं कि मैंने काफ़ी दिन से कोई व्लॉग नहीं शूट किया है,
तो टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को, तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ अभी से। फिर ये अभी मेरा घर है, यहीं पे रहता हूँ, मेरा रूम है, और ये इस तरीके से कुछ है, देख रहे हो। तो मैं हो चुका हूँ फ्रेश एकदम नहा हुआ के, और क्या है कि अब मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है, मैं सुबह बारिश में भीग भी गया था, तो क्या बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया था मेरे को, तो मैंने गर्म पानी किया और नहाया। उसके बाद से अभी फ्रेश होके मतलब निकला हूँ, अभी जाएंगे थोड़ा इधर घूमने के लिए, क्योंकि आज मैं आखिरी दिन है मेरा, तो मैं घूम लेता हूँ, अपने फ्रेंड लोगों से भी मिल लेता हूँ। क्या है कि मतलब कल तो मेरा ट्रेन है, मैं तो कल चला जाऊँगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा दूँ मैं जहाँ पर रहता हूँ। ये मेरा पीछे वाला साइड है ना घर का, तो ये तालाब है बहुत बड़ा, यहाँ पर बहुत सारा मछली उछली है भाई, तो ये कहने वाली कोई बात नहीं है। क्या होगा कि मतलब चलना है अभी हम लोगों को घूमने के लिए उधर, लड़के लोग फ्रेंड लोग मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, उधर ही जाएंगे अभी, खेल उल के आएंगे, उसके बाद से पैकिंग वैकिंग करेंगे फिर चलेंगे चलने के लिए, क्योंकि मेरा फ्रेंड फ़ोन किया था, तो देखता हूँ कौन कौन है साथ में, मिलता हूँ थोड़ा आगे। फ्रेंड लोग आ गए हैं, अब जा रहे हैं वहीं पे खेलने के लिए, मिलते हैं ग्राउंड में, तब तक के लिए बने रहे। पहुँच गए हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड देख लो क्या मस्त है, यहाँ पे मेरे फ्रेंड लोग जा रहे हैं, इन लोगों ने मैच स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन मैं बहुत लेट से पहुँचा हूँ, इसके बाद होगा हमारा मैच। इससे तो ऑडियंस इतने ही है, बस गांव का खेल है, पता ही होगा आप लोगों को। उधर से प्लेयर सब आ रही है, पता नहीं कहाँ की टीम है। जो मैच स्टार्ट हो गया, हम लोग टारगेट दिए हैं 31 चार ओवर में, और हम लोग हारने वाले हैं, इतना तो पता चल गया है। फील्डिंग में लगे हुए हैं सबके सब, हाँ फील्डिंग में सबके सब लगे हुए हैं, रन पे रन हो ही रहा है, अभी 14 रन हो गया है पहले ओवर में ही, हम लोग बिल्कुल हारने वाले हैं भाई साहब, हो गया हम लोग आज तो। गाइस जैसे कि हम लोगों ने मैच हार गया, तो ठीक है ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे हो, सपोर्ट करें, और मिलते हैं कल की वीडियो।